Hello everyone and welcome to my class. To continue with the third chapter, that is Nazism and the Rise of Hitler of class 9th history. Today I'll be discussing the years of depression. Right, in my previous video I have discussed about the effects of the First World War on Germany, and we have seen that how the condition, political condition in Germany was becoming very unstable, and people were not satisfied. All these problems were raised in the upcoming years from 1929 to 32. We'll be discussing this in great detail here when we'll discuss about the Great Depression, right? So let's start the topic, the years of depression. Now, immediately after the First World War, the European nations were not having that much of money that they can buy products from the international market, right? ज़्यादातर देश जो थे वो पैसा लुटा चुके थे लड़ाई में, और जर्मनी से उन्हें उम्मीद थी कि जर्मनी पे करेगा, लेकिन जर्मनी ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां जर्मनी को खुद ज़रूरत थी कि कोई उसे हेल्प कर दे। अमेरिका हेल्प कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी भी जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारा बर्डन था। ऐसे में धीरे धीरे यूरोपियन देशों ने अपने जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट से गुड्स को ख़रीदने की, वो रिड्यूस करनी स्टार्ट की। और जब लड़ाई चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एट दैट टाइम यूएसए वॉज नॉट इनिशियली इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। यूएसए इन्वॉल्व्ड नहीं था लड़ाई में जब लड़ाई शुरू हुई, लेकिन लड़ाई जब ख़त्म हुई तो लास्ट के टाइम पे यूएसए की एंट्री होती है वॉर में ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीज़न। इफ़ यू वांट इफ़ यू वांट टू नो द रीज़न, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल मेक वन वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन दैट, यूएसएस एंट्री इन टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। तो यूएसए ने बाद में लड़ाई ज्वाइन की थी, और जिसके कारण जब यूएसए की एंट्री होती है वॉर में तो वॉर जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यूएसए एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर देता है, एलीस ग्रुप को ज्वाइन करता है, ब्रिटेन फ्रांस के साइड से वो लड़ता है, और जिसकी वजह से लड़ाई जो है ख़त्म होने के कगार पर पहुँच जाती है, राइट। अब ऐसे में यूएसए ने, जितने साल यूएसए इन्वॉल्व नहीं था लड़ाई में, तो जितने भी यूरोपियन देश जो लड़ रहे थे वो अपनी जो भी इंडस्ट्रियल डिमांड होती थी वो यूएसए से मंगवाते थे सामान, राइट, क्योंकि अपनी उनकी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी। सो वॉर ईयर्स में यूएसए वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ प्रोड्यूसर। It was manufacturing the goods for the international market on a large scale, and this was the time when USA's industrial growth was on its peak. उनकी इंडस्ट्रीज इतनी चल रही थी क्योंकि हर देश जो लड़ रहा था यूरोप में वो जो भी सामान मंगाना होता था यूएसए से मंगाता था, तो यूएसए बिकेम वन ऑफ द मेन सप्लायर ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, और जिसकी वजह से यूएसए की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी, बहुत ज़्यादा यूएसए रिच हो गया था, राइट। अब ऐसे में जब लड़ाई ख़त्म हुई तो यूरोपियन देश सामान खरीदने के स्थिति में नहीं थे, दे लॉस्ट देयर परचेजिंग पावर, क्योंकि इतना खर्चा वो ऑलरेडी लड़ाई में कर चुके थे। तो वट दे हैव डन, वन बाई वन दे रिड्यूस्ड देयर डिमांड, दे एंडेड देयर डिमांड फ्रॉम यूएसए, क्योंकि ऑलरेडी देवर इन लोन सिचुएशन, दे हैव ऑलरेडी टेकन सो मच गुड्स फ्रॉम यूएसए ऑन लोन, तो उन्हें उसको पे बैक भी करना था, और इसलिए उन्होंने अपने जो डिमांड है गुड्स की वो रिड्यूस की। तो डिमांड ऑफ गुड्स फेल शार्पली आफ्टर द वॉर, लेकिन यूएसए इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाया कि एक एक करके सारे यूरोपियन देश जो हैं उससे माल नहीं खरीद रहे। यूएसए उसी स्पीड में प्रोड्यूस करता चला गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और एक समय ऐसा आया कि यूएसए के गोडाउंस भरे हुए थे सामान से, लेकिन कोई बायर्स नहीं था उन्हें खरीदने के लिए, कोई भी देश खरीदने के लिए नहीं था, कोई भी देश इस स्थिति में नहीं था कि उन गुड्स को खरीद सके। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1929, दैट देयर वाज अ लॉकडाउन इन द इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसए, क्योंकि सामान ऑलरेडी इतना बन चुका था, लेकिन खरीदार नहीं होने के कारण, डिमांड नहीं होने के कारण मार्केट में इंडस्ट्रीज़ को बंद करना पड़ा, और जिसकी वजह से ऑन अ लार्ज स्केल वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। सो दिस वाज अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस दैट स्टार्टेड इन यूएसए इन द ईयर 1929 वाज द ईयर व्हेन इट वाज ऑन इट्स पीक, व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए वाज ऑन स्ट्रीट
unemployed, without work, and they lost the people in USA. They lost their jobs. Since they lost their jobs, they lost their purchasing power also. जब उनके पास नौकरियां नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, तो वो भी अब जो यूएसए का सामान गोडाउन्स में भरा हुआ था वो नहीं खरीद पा रहे थे. तो यूएसए एक ऐसी सिचुएशन में आ गया था जहां उसके पास सामान तो था लेकिन देर वर नो बायर्स इन डोमेस्टिक मार्केट एंड इन इंटरनेशनल मार्केट. सो दिस वॉज द इकोनॉमिक क्राइसिस एवर फेस्ड, द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस एवर फेस्ड सिंस सो फार, राइट. सो इसी को ग्रेट डिप्रेशन कहा गया, राइट. तो डिमांड्स ऑफ गुड्स फेल शार्पली आफ्टर द वॉर. फार्मर, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर हिट ड्यू टू फेलिंग डिमांड्स. ना तो बायर्स हैं इनके सामान को खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए कोई पैसा ही नहीं है लोगों के पास. तो इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को, ड्यू टू फेलिंग डिमांड्स, राइट. द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो यूएसए का मेन जो वो एक्सचेंज ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, जहाँ पे उनका इकोनॉमी को जो वो हैंडल करते हैं. तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थे उनके जो शेयर्स हैं वो ट्रमेंडसली डिक्लाइन हुए और लोगों के पास पैसा ख़त्म होने लगा. दे लॉस्ट देयर जॉब्स. सो वट एवर द सेविंग्स दे वर हैविंग इन द बैंक्स, दे स्टार्टेड टेकिंग आउट देयर सेविंग्स फ्रॉम द बैंक्स एंड अल्टीमेटली इवन द बैंक्स बिकेम बैंकरप्टेड. बैंक भी कंगाल हो गए, इतना पैसा लोग निकाल चुके थे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए. पीपल स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स, जो भी उनके पास बचे कुछ शेयर्स थे वो भी बेचना शुरू हो गए थे और उनको बायर्स नहीं मिल रहे थे. सो दिस वॉज द कंडीशन दैट वॉज गोइंग ऑन इन यूएसए एंड इट हैड इट्स सिवियर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमीज ऑफ द ऑन द इकोनॉमीज ऑफ द डिक्लाइनिंग इकोनॉमीज ऑफ द यूरोपियन नेशंस ऑल्सो, राइट. तो ये जो कहानी थी ये यूएसए से स्टार्ट हुई और जो कि टॉप मोस्ट नेशन था इकोनॉमी वाइज वॉर टाइम पे, और किस तरह से उस देश से जो कि एक बहुत ही पावरफुल नेशन था जिसके पास बहुत पैसा था, वो जब वो इकोनॉमी वाइज डाउन गया तो यूरोपियन देश जो ऑलरेडी डाउन थे इकोनॉमी में उनको उससे भी दुगनी चोट लगी, राइट. सो 1929 to 32 वर द इयर्स व्हेन द यूएसएस इनकम फेल हाफ. यूएसए की जितनी सालाना इनकम होती थी वो आधी से भी कम हो गई थी, राइट. नाउ ये तो हाल यूएसए का था. नाउ टॉकिंग अबाउट जर्मनी, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑन जर्मनी, लेट्स सी. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, राइट, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हुई, इंडस्ट्रियल एरियाज चले गए दूसरे देशों के पास, तो वर्कर्स दे लॉस्ट देयर जॉब्स. अगर कोई जिनके पास काम बचा था दे वर पेड लेस, उनकी इनकम कम हो गई. अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड वाइड स्प्रेड इन जर्मनी, अराउंड 3 million पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी. देर वॉज अ सिचुएशन वेन दे वर ऑन पीपल वर ऑन रोड्स कैरिंग अ प्लेकार्ड इन देयर हैंड्स वेयर दे यूज टू राइट विलिंग टू डू वर्क, पर उनके पास काम नहीं है, राइट. दिस वॉज अ सिचुएशन इन जर्मनी. इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटी, सिंस पीपल वर नॉट हैविंग जॉब्स दे लॉस्ट देयर इनकम. सो दे द यूथ स्पेशली दे इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज, सो क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम. वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी फेल ट्रिमेंडसली, as we have already discussed it in the previous video, the German currency marks its value decreased tremendously. Now it lead to further decline, anxiety and fear in the minds of the people. अब लोग जो है वो insecure होना शुरू हो गए. middle class, small business people, traders, merchants, उनको ये लगा कि अब situation आ गई है. they were having a fear of प्रोलेटेरियनाइजेशन, उनको मन में इस का फेयर हुआ. प्रोलेटेरियनाइजेशन इस वर्ड का मतलब होता है टू बिकम इम्पॉवरिश टू द लेवल ऑफ वर्कर्स. उन्हें यह डर हुआ कि उनका जो बिजनेस है वो ख़त्म हो रहा है, मिडिल क्लास है वो, उनकी परचेसिंग पावर, उनकी इनकम रिड्यूस हो रही है इस लेवल तक कि वो अब वर्कर्स बन के रह जाएंगे, राइट.
विमेन रिपब्लिक और इन सारी चीज़ों के लिए जो सरकार थी विमेन रिपब्लिक जर्मनी में, वो इस सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी. दे फेल टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड पीपल कम्प्लीटली लॉस्ट देयर फेथ इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. जर्मनी में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो विश्वास था लोगों का, वो अब ख़त्म हो चुका था. Right, so this was the condition in Germany, and they seriously needed such a government, such a ruler who can improve the situation, who can take out Germany from this devastating situation. So this was a background that was prepared for the rise of Hitler. We'll be discussing in the upcoming videos. Right, so please like, share and review. Wait for the next video and please subscribe this channel. Thank you.